अगर जैद अपनी बीवी को कह दे कि तू हराम है, उसका नतीजा क्या होगा? सबसे पहले पूछेंगे मुज़ाकरा तलाक हो रहा है, अगर पहले तलाक का जिक्र हो रहा है तो फिर तलाक होगी। अगर तलाक का जिक्र नहीं होगा तो इसका मतलब है वो जोड़े की ज़िंदगी से कता ताल्लुकी की कसम खा रहा है, यानी मैं तेरे साथ जोड़े का ताल्लुक नहीं बनाऊँगा। इसका नाम है ईला, ये कसम कहलाती है, तलाक नहीं कहलाती। इस ईला से वापस आने दे, आप में हाफिज़ कोई नहीं है। लिल्लज़ीन युलून मिन निसाए तरबुस अरबात अशुर फ़ैन फाऊ फ़ैन अल्लाह गफूर रहीम। अगर वो अपनी औरतों से कता ताल्लुकी का ऐद कर ले तो उनको चार महीने की मोहलत है, चार महीने के अंदर वापस ले लें तो उनको कसम का गफ़ारा अदा करना पड़ेगा। कसम का गफ़ारा क्या है? या तो एक ग़ुलाम आज़ाद करे, दौरे हाज़र में ग़ुलाम पाए नहीं जाते, अगर वो ना हो तो 10 मिस्कीनों को कपड़े ख़रीद के दे, नए कपड़े, और अगर वो मुमकिन हो तो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए, अगर वो मुमकिन ना हो तो 3 रोज़े मुतवातर रखे। ये कसम का खफारा है, ख़ा ईला की कसम हो या आम कसम हो। वैसे शरी तौर पर सरकार ने फरमाया भी है, कोई आदमी किसी काम की कसम खा ले, देखे जो मैंने छोड़ा है वो अफजल था, जो मैंने किया है ये मफजूल था, ये अच्छा नहीं था, उसको कसम तोड़नी चाहिए और कसम का किफारा देना चाहिए। अगर ईला की कसम है, यानी कता तल्लुकी का की कसम का है, मगर मुज़ाकरा तलाक का नहीं था, अगर तलाक का जिक्र हो रहा हो तो फिर अगर कहे हराम है तो फिर उसका मतलब यही होगा वो तलाक के इरादे से कहता है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात नहीं, वैसे ही हम नाराज़गी की वजह से कोई बात बीवी की पसंद ना आई तो कहा आइंदा जोड़े का ताल्लुक मैं तो उसे नहीं रखूँगा, तो ये कसम शुमार होती है, इसका नाम है ईला। चार महीने के अंदर अंदर रजू कर ले तो फिर उसको कसम का गफ़ारा अदा करना पड़ेगा जो बताया अभी, और अगर चार महीने के अंदर रजू ना करे तलाक़ बाइन होगी, और अगर तलाक का इरादा किया था एक तलाक होगी और तलाक़ बाइना होगी। तलाक़ की दो किस्में हैं, एक तलाक़ सरी है, एक तलाक़ कनाई है। कोई लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल करना जो तलाक़ के माना देता हो लेकिन तौ लाम अलिफ और काफ़ ना हो, उसको कहते हैं कनाई। जैसा कहते हैं जा दाल फैन हो जा, आज के बाद मेरा तेरा बीवी को कोई ताल्लुक नहीं, तेरे गले में जो रस्सी डाली थी आज मैं उतार लेता हूँ, जा जहाँ की बट्टी है वहीं जा के खप जा। लेकिन उसका इरादा तलाक का हो या तलाक़ कनाई है, एक तलाक वाक़ होगी इसका क्या असर होगा? का 3 महीने की इद्दत है उसकी, इद्दत के अंदर भी रिजू कर सकता है, इद्दत के बाहर भी रिजू कर सकता है, लेकिन कह किस तरह सकता है? तजदीद निकाह के साथ, निकाह ताज़ा करेगा, लेकिन ताज़े निकाह में शर्त ये होगी बेगम राज़ी हो। अगर वो कहे ये बड़ा घटिया आदमी है, रोज़ाना इस तरह की बेहूदा बातें करता है, मैं इसके साथ दोबारा निकाह नहीं करती, अगर वो निकाह न करे तो उसको आज़ादी मिल जाएगी। अगर निकाह करना चाहे इद्दत के अंदर भी कर सकती है, 2 साल बाद भी करना चाहे कर सकती है, इद्दत के बाद भी। अगर 2 की नियत करे तो 2 हो जाएंगी, उसका भी नतीजा यही होगा कि इद्दत के अंदर भी वापस कर सकता है, इद्दत के बाद बाहर भी वापस कर सकता है। लेकिन अगर 3 का इरादा करे तो तलाक़ मुखलज़ा हो जाएगी, यानी वो तलाक़ जो रेवोकेबल नहीं है, जो वापस नहीं कर सकता। समझ आ गई बात? ये आपसे लोग मसले पूछेंगे, आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, अगर याद न रहे तो मुझे वहाँ आकर के मुझसे पूछ ले, रिकॉर्ड कर लो। इस वक्त रिकॉर्डिंग तो हो रही है लेकिन मुमकिन है फिर आपकी समझ से निकल जाए।